नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। दवा बाजार में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां थाना नीलगंगा पुलिस ने 6 दिन के भीतर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर रविवार को प्रेस वार्ता लेकर सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 1 व 4 फरवरी को हुई थी। दवा बाजार की 2 मेडिसिन एजेंसियों पर चोरों ने धावा बोला था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 6 लाख कीमत की दवाइयां बरामद की है। पुलिस पूछताछ कर रही है। चोरों ने दवा जिन लोगों को बेची थी, पुलिस अब उनसे भी पूछताछ करेगी। ना नीलगंगा के अंतर्गत 1 फरवरी और 4 फरवरी को जो दवा बाजार है, वहां 2 एजेंसीज, अभय एजेंसीज और बोबल मेडिसिन के जो स्टोर है, उन पर चोरी हुई थी। और इसमें पुलिस ने 2 नकबजनी के केस पंजीबद्ध किए थे। जब इनकी जांच की गई, जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इसमें जो काम करने वाले लोग प्रारंभिक रूप से जो इसमें यहाँ पर डिलीवरी का काम करते थे या जो और काम देखते थे, वही लोग इसमें निकले हैं। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में, दोनों मामलों में, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 6 लाख से भी अधिक का जो मेडिसन्स हैं, जो विभिन्न कंपनीज की मेडिसन्स हैं, चाहे उसमें सन फार्मा हो, रैनबैक्सी हो, सिप्ला हो, कैडिला हो, तमाम जो बड़ी कंपनी है उनकी ड्रग्स को बरामद किया है। और जो आरोपियों ने जिन को बेचा था, उनको भी पूछताछ के लिए रखा है। और अभी तक इसमें 6 लाख से भी अधिक की मेडिसिन जब्त हुई है और 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। पूरी जो नीलगंगा पुलिस की टीम है, थाना प्रभारी नीलगंगा तरुण कुरील और जो CSP हेमलता है, उनकी पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 10,000 इनाम की घोषणा भी की गई है।